Present perfect tense. For example, I have studied for my exams. I have studied for my exams. तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रही हूँ. एग्जाम? पास्ट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड स्टडीड फॉर माई एग्जाम्स. हैव का हैड हो जाता है. करेक्ट. पियो. और अब होगा फ्यूचर टेंस, मतलब सामान्य भविष्यकाल. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू कॉलेज. अच्छा बेबी, वॉटर का मतलब पता है? पानी. गलत है. वॉटर मतलब H2O. यो! रेडी? रेडी. गुड. अरे वाह, मेरी क्यूट सी बच्ची को मंजू दीदी ने रेडी कर दिया. मंजू, हो गया ना सब रेडी? हाँ. लिस्ट के हिसाब से? हाँ. टिफिन भर दिया? हाँ. आज टिफिन में क्या क्या दिया है तुमने? आलू पराठा. लेकिन वो तो कल ही दिया था ना? नहीं दीदी, कल तो चीज सैंडविच दिया था. ओके. और वाटर बॉटल में पानी कौन सा दिया? मैडम, आप मुझसे रोज यही सवाल करती हैं और मैं रोज आपको वही जवाब देती हूँ. मिनरल वाटर. नहीं नहीं, उसने वो नहीं भरा, उसने H2O भरा. H2O? ओके. और स्कूल बैग? यहाँ है मम्मा. आना, तुमने जब से नया स्कूल शुरू किया है तब से बहुत शैतान हो गई हो. चलो, स्कूल वैन आ गई है, चलो. मंजू, तुम छोड़ के आ जाओ. हाँ. चलो स्कूल चले हम. स्कूल चले हम. क्या बात है. बीथोवन वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन थे वो. ओनली प्योर हार्ट कैन मेक गुड सूप, मतलब शुद्ध मन ही अच्छा सूप बना सकता है. और इस धरती पर बोला जाए तो एक अच्छा मन एक अच्छा बाग खिला सकता है. हाँ हाँ साहब जी, आपने बिल्कुल सही कहा. अभी आपकी ही वजह से तो ये बगीचा बिल्कुल खिला हुआ और ताजा नजर आ रहा है. साहब साहब, रहने दीजिए, रहने दीजिए. अब बहुत देर हो गई, मतलब सारे महत्वपूर्ण काम तो हो ही चुके हैं. बाकी बचे छोटे मोटे काम मैं कर दूंगा. और आज शौनक साहब घर पर आने वाले हैं. इतने सालों के बाद तो घर पर भी बहुत सारे काम होंगे ना. सही कहा तुमने, इतने सालों बाद वो आ रहा है. लेकिन इतने साल अमेरिका में रहने के बाद बाप के साथ कैसे पेश आना है, इसका ज्ञान उसे होगा, इस बात का मुझे पता नहीं. कलेजे के टुकड़े के ठीक से परवरिश नहीं कर सका, इसका अफसोस है. साहब, कुछ कहा क्या आपने? कुछ नहीं. क्या? अच्छा बुरा का तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे पक्का विश्वास है कि शौनक साहब के आने के बाद ये घर ऐसे नहीं रहने वाला.
सुमन सुनना। अरे मंजू मुझे क्यों सता रही है, एक तो सोनिक साहब आने वाले हैं, मैं जा रही हूँ। लेकिन मेरे सारे काम हो चुके हैं। बहुत तेज है तू। अच्छा चल मेरे भी काम कर दे। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मेरे सारे काम हो चुके हैं तो मुझे छुट्टी चाहिए। कभी? अभी, आज। आज? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे पर मैं ऐसे ही छुट्टी नहीं मांग रही हूँ, मुझे एग्जाम देने जाना है। अरे तो ठीक है ना, कल चली जाना। अरे अरे कल कैसे जा सकती हूँ एग्जाम के लिए, आज है ना एग्जाम मेरा, और अगर आज का एग्जाम मिस कर दिया ना तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अरे मतलब अगर आज तूने छुट्टी ले ली ना तो आगे से तुझे देशमुख जी के दरवाजे के सामने भी नहीं खड़ा करेंगे। अगर नौकरी चली जाएगी तो तू जिएगी कैसे? अरे रुका। हाँ बोलना अंजू। क्या हॉस्पिटल में पापा को क्यों क्या हुआ? अच्छा चेकअप के लिए अभी ही जाना था क्या उन्हें? अरे मैं नहीं जा सकती, मुझे एग्जाम देने जाना है। अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, मैं रिपोर्ट लेके आती हूँ। तू एक काम कर, तू अभी फोन रख और पापा का ध्यान रख, और हाँ भैया के भरोसे मत रहना और उनको एग्जाम के बारे में मत बताना। हाँ रखती हूँ मैं। हाँ चल 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 चल। क्या हुआ? अरे पापा को हॉस्पिटल में लेके गए हैं। सीरियस है क्या? नहीं सीरियस नहीं है, रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, पर मुझे तो जाना ही होगा। अब क्या करूँ मैं, सारी मुसीबतें एक ही दिन में आ गई है। शौनक साहब भी आने वाले हैं, मेरा एग्जाम भी है आज, और पापा भी। मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले एग्जाम दे देती हूँ उसके बाद हॉस्पिटल निकल जाऊंगी। हाँ ठीक है चल जा। ए कहाँ भाग रही है तू? मैडम आज मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। बता रही हो या पूछ रही हो? नहीं मिलेगी। आज शौनक आने वाला है ये पता होने के बावजूद तुम पूछ रही हो? लेकिन मैडम अर्जेंट है। अच्छा कौन सी इतनी अर्जेंट बात है, हमें भी तो बताओ। नहीं वो नहीं बता सकती, कुछ पर्सनल है। अच्छा पर्सनल काम पर्सनल टाइम पर करो, अभी नहीं। अरे मोनिका मैडम दरअसल इसके पापा को हॉस्पिटल में लेके जाना है और रिपोर्ट्स भी इसे ही लेनी है। जाने दीजिए ना इसे। अरे मंजू सुन तो। अरे सुन तो सही, इधर आ तू। वहां कहां जा रही है तू? मोनिका मैडम को सब कुछ बताने के लिए जा रही हूँ मैं। क्या? यही कि अभी मैं अपने पर्सनल काम के लिए जा रही हूँ और फिर बाद में हॉस्पिटल जाऊंगी। अरे मंजू ये क्या बचपना है। अरे लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती ना। अरे तू कहाँ झूठ बोल रही है बताना, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है ये बात तो सच है ना, और तू हॉस्पिटल जाएगी भी। हाँ अब मैंने तेरे एग्जाम वाली बात तो उन्हें बताई है नहीं। अरे लेकिन अगर आधा सच बताया है तो क्या वो झूठ हो जाएगा? अरे लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, मोनिका मैडम के आने से पहले तू यहाँ से निकल। चल 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 जा। मैं कोई मेहरबानी नहीं ले रही हूँ उनसे, सारे काम खत्म करके ही जा रही हूँ मैं, और वैसे भी मैं उनसे कह दूंगी आधे दिन की पगार कट करनी है तो कट कर दीजिए। मतलब इन लोगों को ना पैसों की कुछ पड़ी नहीं है, ये बस यही चाहते हैं कि हम इनके पैरों की जूती बनी रहे। मैं समझ रही हूँ सब कुछ, लेकिन हमारी भी कोई जिंदगी है कि नहीं? अब अगर मैं एग्जाम देने ना जाऊँ, अपना पेपर मिस कर दूँ तो मेरा पूरा साल बर्बाद नहीं हो जाएगा? और पापा की रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स अगर डॉक्टर को नहीं दिखाई गई तो उनकी दवाइयाँ कैसे आएंगी? डॉक्टर तो पहले ही रिपोर्ट्स मांगते हैं। देख मैं जानती हूँ तो किस दौर से गुजर रही है, लेकिन तेरी इस सच्चाई को ना इस देशमुख घराने में कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ पर जितना काम बोला है उतना करो और ज्यादा बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? अरे यही हमारी परिस्थिति है, मैं बदल के दिखाऊंगी ये परिस्थिति। ये परिस्थिति सब बाद में बदलना, पहले ही देर हो चुकी है। अब जल्दी से जा, और जाने से पहले रूम पे जा, कपड़े बदल और शॉर्टकट से निकल ले। हाँ मैं जाती हूँ। मंजू बस टफ लक। थैंक यू, चलती हूँ। Thank you.
क्या टाइम हुआ है? हाँ ठीक है पहुंच रहा हूँ। सॉरी भाई। ए क्या? हाँ तो सॉरी क्या बोलता है? इधर आना, सामने आना, बताना। लात घुसा खाने के लिए तो खड़ा हूँ मैं। अरे ए, हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जा। इधर हॉस्पिटल में तो कम से कम चुपचाप बैठ, आधे घंटे में आ जाएगा अपना नंबर। एक घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, कीड़े मकोड़े की तरह लोग खड़े हैं, जहाँ देखो वहाँ लंबी लाइन। सांस अटक रही है मेरी। सांस अटक रही है मेरी। यहाँ पर क्या हम लोग रोज आते हैं क्या? मंजू आ रही होगी रिपोर्ट लेकर, तब तक नंबर भी आ जाएगा। सच बताओ तो तुझे टीवी के किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। अरे क्या साहब, आप मजाक कर रहे हो? ऐसा मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, मजाक तू कर रहा है। ये क्या कर रहा है बताएगा मुझे? सर साफ सफाई। किस चीज की? इसकी। ये क्या है, ये जानता है तू? क्या है? एक ब्रिटिश ऑफिसर की मेरे दादाजी को दी हुई भेंट है ये। एक स्टैच्यू पुतला है ये, इजिप्ट से लाया गया था ये, और इसे तू गंदे पानी से साफ कर रहा? साहब नया लड़का है। कोई बात पता ना हो तो उसे मूर्खता कहते हैं, और मालूम ना हो और किसी से ना पूछना उसे बदमाशी कहते हैं। अब इसके बाद जितना बोला गया है उतना ही करना, और नहीं पसंद और तुझे सिर्फ गाना ही गाना तो रास्ते में बाजार लेके बैठ जा, समझ गया? लेकिन साहब चुप रहे। साहब वापस नहीं करेगा वो ऐसा, बस इस बार इसे माफ कर दीजिए ना, मैं समझाऊंगी इसे, काम की जरूरत है बेचारे को। एक बात तुम सब लोग ध्यान से सुन लो, आज 7 साल बाद मेरा बेटा यूएसए से यहां आ रहा है। आई वोंट टॉलरेट एनी मिस्टेक्स, अंडरस्टूड? समझ आई बात? तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है? अभी तेरी वजह से हमारी भी नौकरी चली जाती है। हाँ, तू भी मुझे ही सुना, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? अरे कैसे कैसे बोल रहे थे वो मुझे, मेरे बाप ने भी मुझे कभी इतना नहीं डांटा था। हाँ ये साम ना ही तेरा बाप है और ना ही ये शहर तेरा गांव है। जरा अपनी आंखें खुली रखकर इस बंगले को ठीक से देख ले। देशमुख फैमिली का बंगला है ये। यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ के नियम अलग हैं। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तेरे दिमाग में कुछ घुस रहा है कि नहीं? सुमन खीर बन गई क्या? हाँ। आई वॉन्ट टू टेस्ट। हाँ बस अभी लाई मैडम। ले आ। ये लीजिए मैडम। केसर कम डाला है क्या तूने? कम पड़ गया क्या? कम पड़ा है तभी तो कह रही हूँ ना तुझे, जरा डाल इसमें, और चुटकी भरी डालना। हाँ जरा ज्यादा पड़ गया तो दिखावा लगता है, और कम डालो तो कंजूसी। हाँ मैडम। लजानिया? नहीं बस काम थोड़ा सा बाकी है, वो सब जैसे ही हो जाएगा मैं उबालने के लिए रख दूंगी। टेम्परेचर चेक करना। हाँ मैडम आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, सौनक साहब इतने सालों बाद घर आ रहे हैं ना, मैं सब कुछ एकदम अच्छे से कर दूंगी। वाओ प्रणव, शौनक लैंड तो हो गया ना? मैं भी यही बताने आया हूँ, उसका फोन आया था, निकल चुका है वो एयरपोर्ट से। निकल गया? वेरी गुड। अरे अरे क्या कर रहा है ये? बस चेक कर रहा हूँ। सुमन प्रणव साहब को तूने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं दिया था क्या? दिया था। तो कम पड़ गया था क्या? नहीं तो। अरे तो तू लंच में खाने वाली चीजें अभी क्यों खा रहा है? मामा मैं तो बस ऐसे ही खा रहा था। सुमन ये डिश हमें रीअरेंज करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है मैडम। सॉरी मामा। सुमन तो प्रणव साहब को कुछ ना कुछ गरम खाने को दे ही दे, हाल तुम्हें कुछ भी खाकर अपना पेट भर रहा है। जी मैडम। इट्स ओके सुमन, ये मैं नहीं खा रहा, मुझे आपके सारे नियम पालने की आदत हो चुकी है, लेकिन क्या शौनक आने के बाद इन सारे नियमों का पालन कर पाएगा?
रुक जा। साहब चले क्या? हाँ चल। पचास हजार किसान मुंबई में चलकर आए हैं। दिस इज हिस्टोरिक। वी आर विटनेसिंग अ रिवॉल्यूशन। तुझे क्या लगता है? मुझे किस बारे में साहब? यही सब जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में। मुझे क्या फर्क पड़ेगा साहब, मैं तो एक मामूली ड्राइवर हूँ। क्या चल रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं है। तू मेरे डर से मेरे साथ कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं हर्षवर्धन देशमुख नहीं हूं, मैं शौनक हूं, सिर्फ शौनक। एंड यू नो व्हाट, तू मेरे डैड से बहुत डरता है, लेकिन एक बात ध्यान में रख, तुझे मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे मैं बस तेरी तरह एक आम इंसान हूं यार। साहब बहुत अच्छा लगा आप इस तरह बात कर रहे हो, लेकिन एक बात मैंने जरूर सीखी है कि जब साहब लोग बात कर रहे हो ना, तो हम जैसे छोटे लोगों को अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, तू मेरे सामने जो चाहे वो बात कर सकता है। अरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो यही बोलता है ना, और तेरी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर कोई भी आपत्ति नहीं ला सकता, समझ गया? हाँ साहब। साहब एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलना। अब जिसको एक टाइम के खाने के लाले पड़े हैं, वो क्यों इतना देश के बारे में सोचेगा साहब? अब आप साहब और मैं ड्राइवर हूं, अब मैं कुछ भी कर लूं तो भी मैं साहब बनूंगा क्या? जो है वो तो है ना साहब। कैसा है ना साहब, आप अमीर लोगों की बातों में एक राजा होता है, एक रानी होती है, राजकुमार उसके लिए घोड़े पे आता है, राजकुमारी उसके लिए सजती है, और हम जैसे गरीब लोग, अरे छोड़िए ना साहब, आखिर आप में और हम में फर्क तो रहेगा ही ना साहब। भगवान, बस रिपोर्ट अच्छी आई रे बाबा। ये भगवान के पास गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। ये हॉस्पिटल वाले, व्हाइट कॉलर वाले, सब के सब चोर हैं। अरे जिनके पास पैसे है ना, वो सीधे अंदर चले गए डायरेक्ट, उनके लिए कोई लाइन नहीं है। और जिनके पास पैसे नहीं है ना, वो यहाँ पर चार चार घंटे खड़े हैं, है ना मामा? अरे भैया जरा धीरे बोलो ना, सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? ए, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, चुपचाप वहाँ जाके खड़ी हो जा, समझ गई ना? अरे क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ी देर खड़ी रह जाएगी तो। सबको पता है ये नियम है, पूरा संसार नियम पर ही चलता है। नियम पर? मेरी एक बात सुनिए, अगर सब कुछ वैसा होता जैसा आप बोल रहे हैं ना, तो मैं अभी ये मनोज ना सबके सामने सर मुड़वा के गधे पे घूमेगा। बड़े आए नियम सिखाने वाले। मंजू क्यों नहीं आई अभी तक, जरा फोन लगा ना उसको। फोन में बैलेंस नहीं है। हाँ बैलेंस नहीं है। अरे अभी आ जाएगी। ए मम्मी, अरे भैया को क्यों लाए यहाँ पर, जहाँ भी जाते हैं तमाशा करते रहते हैं। जो काम इसे करना चाहिए वो मेरी मंजू कर रही है, और ये यहाँ खड़े खड़े तमाशा कर रहा है। मालूम नहीं ये मंजू भी कब आएगी। तो क्या किधर? पेपर, मैं लेट हो गई। ओ पापा हॉस्पिटल में है। आई कार्ड है मेरे पास, दिखाऊं मैं आपको? एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकती हैं, कुछ नियम कानून होते कि नहीं? अरे लेकिन बहुत दूर से आई हूँ मैं, प्लीज। ओ आप बहुत दूर से आई हैं, हम तो यहीं पर रहते हैं ना। प्रिंसिपल साहब ने हमें आदेश दिया है, एग्जाम के लिए लेट हो गया तो बैठ नहीं सकते, इसलिए जाइए अभी।
अरे लेकिन, अरे भैया मैं सच में बहुत दूर से आई हूँ और अगर ये पेपर मिस हो गया तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, प्लीज समझिए ना। तो जल्दी आना चाहिए था ना आपको, हमारे प्रिंसिपल साहब के नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर मैंने आपको अंदर जाने दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ पर देखिए मैं जानती हूँ मुझे लेट हो गया है, लेकिन देखिए पेपर शुरू होने में अभी 2 मिनट तो बाकी है ना। अच्छा तो आपके आने के बाद ही पेपर शुरू होगा ना। मैडम यहाँ प्रिंसिपल साहब के कुछ नियम है और नियम का मतलब नियम होता है, और अभी आपको ये जो एग्जाम देनी है ना वो अगले साल दे देना। हाँ दिमाग खराब कर दिया फालतू में। ठीक है फिर मुझे आप ले चलिए प्रिंसिपल साहब के पास, मैं खुद बात करूंगी उनसे। समय एग्जाम देना चाहते हो लेकिन ये परमिशन नहीं दे रहे हैं। उसके लिए नोटिस बोर्ड पर टाइम टेबल लिखा हुआ है, वहाँ परीक्षा का समय भी लिखा है। हाँ जानती हूँ और मैंने देखा भी था, लेकिन सर मुझे बस थोड़ा ही लेट हुआ है और प्रॉब्लम थी इसलिए मैं लेट हो गई। नहीं, नोटिस बोर्ड पर साफ अक्षरों में लिखा है नियम नियम होता है, नियम भंग इस संस्था में कभी नहीं चलेगा। लेकिन सर नियम इंसानों के लिए होते हैं या इंसान नियमों के लिए बना है? नियम के हिसाब से रोज सुबह सूरज उगता है और शाम को ढल जाता है, लेकिन सर हम जैसे गरीब स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। मैं नौकरी भी करती हूँ और साथ में पढ़ती भी हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। और मैं सच बोल रही हूँ, सच में प्रॉब्लम थी, किसी से बातचीत करने नहीं बैठ गई थी। आप इस तरह नियमों की बात करेंगे तो हम जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, और पढ़ाई करके कुछ बड़ा बनने का सपना तो हमारा कभी पूरा नहीं होगा। सर प्लीज प्लीज सर मुझे एग्जाम देने दीजिए ना सर, प्लीज मैं विनती करती हूँ आपसे सर। मजाक कर रही हो क्या? ए सुनो। हाँ सर। इसे बाहर निकालो। आपको बताया था ना यहाँ के नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट है सर। अब चलिए यहाँ से बाहर निकलिए। एक मिनट रुक जा, सुन रहा है तू? हाँ सर। क्या करूं? इस स्टूडेंट को उसकी क्लास में लेके जा, मैं इसे एग्जाम में बैठने की परमिशन दे रहा हूं। सर लेकिन इसे देर हो गई है। अच्छा तो जल्दी करो और ज्यादा देर ना होने पाए। और हाँ तुम उसे क्लास तक छोड़ के आओगे, और इसके क्लास टीचर को बता दिया जाए कि इसे पेपर लिखने की परमिशन दे दी गई है। सर अपना आशीर्वाद दीजिए। ऑल द बेस्ट बेटी। तेरी ये इच्छा शक्ति एक खौलती हुई आग की तरह है, और इस आग को कभी बुझने मत देना, हरगिज नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.